आयुष्मान व स्मार्ट कार्ड से बिना इलाज किए पैसे निकाल लेने की शिकायत अब शहर के बड़े अस्पतालों के खिलाफ भी आने लगी है। शहर में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने का दावा करने वाली जिंदल फोर्टिस व जेएमजे अस्पताल में गड़बड़ी की शिकायत तो की गई, लेकिन जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं सारंगढ़ के राधा कृष्ण अस्पताल में भी टाइफाइड की बीमारी को हर्निया बताकर बिना ऑपरेशन किए ही मरीज की स्मार्ट कार्ड से 45,000 रुपए निकाल लिए गए। रायगढ़ आयुष्मान व स्मार्ट कार्ड से बिना इलाज के पैसा निकाल लेने की शिकायत अब शहर के बड़े अस्पतालों के खिलाफ भी आने लगी है। शहर में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने का दावा करने वाली जिंदल फोर्टिस व जेएमजे अस्पताल में गड़बड़ी की शिकायत तो की गई, लेकिन जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं राधा कृष्ण अस्पताल में भी टाइफाइड की बीमारी को हर्निया बताकर बिना ऑपरेशन किए ही मरीज के स्मार्ट कार्ड से 45,000 रुपए निकाल लिए गए। इसके लिए तो जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच टीम गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी, परंतु शहर के दो बड़े अस्पताल को खुली छूट दे दी। जेएमजे व जिंदल फोर्टिस की शिकायत मिलने पर फाइनेंस कंपनी ने दोनों ही अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी की थी, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी जानी थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस बात से अनजान है। उसे फाइनेंस कंपनी की नोटिस का तो पता है, लेकिन बाकी बड़े दो अस्पताल के स्पष्टीकरण की कोई जानकारी नहीं। ऐसे में यह बिल्कुल साफ है कि जेएमजे और जिंदल फोर्टिस को विभाग ने मनमानी करने की छूट दे रही है। इस तरह से मरीजों को धोखे में रखकर उनके इलाज के पैसों को हड़पने वाले अस्पताल पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। स्मार्ट कार्ड के लिए कुछ जगह से हमें कुछ शिकायत प्राप्त हुई है, जिंदल से और जेएमजे से और एक सारंगढ़ में राधा स्वामी हॉस्पिटल है वहाँ से। तो सारंगढ़ के लिए तो टीम गई हुई है जांच के लिए, वहाँ पे कुछ शिकायत थी कि मरीज को भर्ती किए बिना ही उसके पैसा निकाल लिया गया स्मार्ट कार्ड से। तो उसकी टीम गई है, इंक्वायरी के बाद ही उसके बारे में बता पाएंगे। और जेएमजे के लिए भी कुछ शिकायत प्राप्त हुई थी तो उनको नोटिस दिया गया है, वो अभी जवाब आया नहीं है। इधर जिंदल फोर्टिस का भी स्पष्टीकरण मांगा गया है तो उसका भी अवेटेड है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, एसीएन 24। और भी खबरों के लिए आप हमारे चैनल एसीएन 24 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाले हर खबरों से आप अपडेट रह सकें। देखते रहिए एसीएन 24।